दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल स्पेस टेलीस्कोप नासा के द्वारा लॉन्च किया गया आज से कुछ दिन पहले, जिसका नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जिसका इस्तेमाल करके एक टाइम ट्रेवल कर सकते हो। मतलब समय में पीछे जाना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन इससे आप इतिहास में पीछे की एक झलक जरूर देख सकते हो। लिटरली मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ ईयर इतिहास में देखा जा सकता है। इस टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके इसे एक्चुअली कहूँ तो 13.8 बिलियन वर्ष पहले बिग बैंग हुआ था, यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी, और यह टेलीस्कोप 13 बिलियन ईयर्स पहले देखा सकता है, 0.7 बिलियन ईयर्स बाद यूनिवर्स की स्टार्ट होने के। यह कैसे पॉसिबल हो सकता है, लेकिन आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में इसकी खासियत। From a tropical rainforest to the edge of time itself, James Webb begins a voyage back to the birth of the universe. Nature has its way of being even more creative than we are. So we have always been surprised by what we see in the sky. That's why building a telescope has always been interesting. No obligation to learn about space, but it would be foolish and short-sighted not to do so. It may hold the key to our survival. सबसे पहली खास बात यह है कि इस टेलीस्कोप के बारे में कि यह मेनली इंफ्रारेड लाइट को डिटेक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। जब आप आसमान में देखते हैं किसी भी टेलीस्कोप से, तो आपको विजिबल लाइट की वेवलेंथ दिखती है। स्कूल में आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एक बहुत बड़े स्पेक्ट्रम पर होती है, तो एक बीच में छोटी सी रेंज होती है विजिबल लाइट की, जो लाइट अपनी आंखों से दिख पाती है। आमतौर पर छोटे टेलीस्कोप होते हैं जो आप किसी भी दुकान पर खरीद सकते हो, वो विजिबल लाइट की वेवलेंथ में देखते हैं। इस विजिबल लाइट की वेवलेंथ ब्लू कलर से लेकर रेड कलर तक होती है, जो कि रेड कलर की सबसे बड़ी वेवलेंथ होती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या होता है आपको पता ही होगा, जितनी ज्यादा बड़ी वेवलेंथ होती है उतनी ही आसानी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किसी भी ऑब्जेक्ट से ऑप्टिकल के थ्रू पास थ्रू कर सकती है। इंफ्रारेड की वेवलेंथ है जो रेड से ज्यादा बड़ी वेवलेंथ होती है, लेकिन इंफ्रारेड वेव हमारी आंखों से दिखाई नहीं देती। टेलीस्कोप में क्या काम है इंफ्रारेड का, यह आप इस फोटो में देख सकते हो। लेफ्ट वाली फोटो ली गई है हबल स्पेस टेलीस्कोप से, जो कि अभी तक का सबसे मोस्ट पावरफुल स्पेस टेलीस्कोप से। आप इसमें गैसेज की क्लाउडिंग करते हुए देख सकते, लेकिन इंफ्रारेड वेवलेंथ जस्ट एंड कोर्स के बीच में से पास थ्रू कर सकती है, और हमें इनके पीछे क्या वो दिखेगा। राइट वाली फोटो वो है जो इमेजिंग किया जाता है जेम्स वेब टेलीस्कोप से दिखेगा। बेसिकली कह सकते हो हाई क्वालिटी और एचडी पिक्चर आएगी हमें। इंफ्रारेड शब्द होता है, इसका अर्थ होता है बिलो रेड, लैटिन से यह शब्द आता है इंफ्रारेड, जिसका मतलब होता है बिलो रेड। अब जो भी चीज हीट डिटेक्ट होती है वहां से इंफ्रारेड वेव निकलती है, इंसानों से, जानवरों से, सूरज से या आग से, सब जगहों से इंफ्रारेड वेव निकलती है। और यही कारण है कि नाइट गॉगल्स में शोल्डर्स में इंफ्रारेड डिटेक्ट करते हैं। बेसिकली नाइट विजन गूगल से कुछ ऐसा दिखाई देता है जो इंफ्रारेड कैमरास कैप्चर कर पाता है, क्योंकि टेलीस्कोप भी सूरज को देखेगा, गैलेक्सीज को देखेगा जो सूरज से बनते हैं, प्लैनेट्स को देखेगा, वो सब हीट रिडेक्ट करते हैं, इसलिए इंफ्रारेड वेव्स को कैप्चर करके देखना पॉसिबल है। टेलीस्कोप इतने दूर दूर से स्टार्स को देखता है, वो स्टार्स जो मिलियंस ऑफ किलोमीटर दूर है, जिसमें जब लाइट उन स्टार से टेलीस्कोप तक आ रही है, लाइट इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, यहाँ आते आते यूनिवर्स से स्लोली एक्सपेंडिंग करने लग रहा है, लाइट की जो वेवलेंथ हो वो भी स्ट्रेच आउट हो जाती है। इस फिनोमिना को कहा जाता है रेड शिफ्ट। टेलीस्कोप के लिए क्या है कि जितना ज्यादा बड़ा मिरर होगा उन पर लगा हुआ, उतनी ज्यादा लाइट कैप्चर होगी, उतनी ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी की इमेज मिल पाएगी हमें। इसलिए जैसे जैसे एडवांस टेलीस्कोप बनाए जा रहे हैं, वैसे वैसे उसमें ज्यादा बड़े मिरर लगाए जा रहे हैं।
हुबली स्पेस टेलीस्कोप का जो मिरर था वो इतना बड़ा था, आप देख सकते हो। इससे साइड में है अभी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का मिरर। वैसे यह पूरा का पूरा मिरर 24 कैरेट गोल्ड से प्लेटेड है, क्योंकि गोल्ड सबसे अच्छे रेड लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी मदद से इस मिरर के 98% रिफ्लेक्टिनेस है। अब से पूरे स्पेस टेलीस्कोप धरती के पास बगल में ही नहीं, धरती से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर डिप्लॉयड किया जाएगा, धरती से एक ऐसे पॉइंट पे जिसे L2 पॉइंट कहा जाता है। यह पॉइंट जो कि सूरज से आने वाली गर्मी को जितना ज्यादा रोका जा सके उतना ही अच्छा है टेलीस्कोप के लिए। और इस L2 पॉइंट की खास बात यह है कि यह अर्थ के साथ साथ ही चलता रहता है, तो सूरज को छुपा कर रखता है। उसका ऑर्बिट देखो कैसा है, अर्थ की शैडो सूरज को छुपा कर रखेगी। इस पूरे प्रोजेक्ट पर $10 मिलियन खर्च किए गए हैं। नासा के अलावा यूरोपियन स्पेस और कनाडियन स्पेस एजेंसी भी शामिल है। टेलीस्कोप से यह भी पॉसिबल है कि मान लो 100 मिलियन लाइट ईयर्स दूर चले गए धरती से और उस प्लेनेट पर बहुत ही पावरफुल टेलीस्कोप बनाकर धरती की तरफ देखते हैं तो हमें 100 मिलियन ईयर्स पहले देखने को मिलेगा, हम डायनासोर को भी देख पाएंगे। इसके अलावा यह भी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जेम्स वेब टेलीस्कोप कौन से नए प्लेनेट्स को देख पाता है, क्या कोई ऐसा प्लेनेट्स को ढूंढ पाता है जहां पर अर्थ जैसे कंडीशंस मौजूद हो, जहां पर पॉसिबल लाइफ पाई जा सकती है। क्या हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।